नमस्कार, जेके मीडिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। और जैसे हमने कल भी आपको दिखाया था कि 8 साल की बच्ची जो है अपहरण के बाद उसकी मौत कर दी गई है, उसी को लेकर आज दोबारा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ईडी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, किसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि कल भी आपका प्रोटेस्ट जो था वो चल रहा था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जम्मू का शहर अभी तक महफूज था, जिस तरीके से सेफ था रहने के लिए, लेकिन इस वारदात के बाद हम सब की रूह कांप उठी है कि इस जम्मू जैसे शहर में, इस पवित्र शहर में भी ऐसे वारदात होना स्टार्ट हो गए हैं। ये नाकामी दरअसल में हमारी सरकार की है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की है, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस चाहती तो जब वो 8 दिन वो बच्ची किडनैप रही आसिफा, तो उसको तब भी वो सर्च कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर शायद दबाव था, इस कारण उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया और उनके फेलियर के कारण किसी गरीब घर की बच्ची को मारा गया और इस तरीके से मारा गया। कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जितना भी यूथ था सबने प्रोटेस्ट जो है वो रखा हुआ था कल आपने, और आपको आश्वासन जो था वो दिया गया था कि एक दो दिन के अंदर अंदर, आपने चेतावनी भी दी थी सरकार को कि एक दो दिन के अंदर अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो दोबारा से आप सड़कों पर उतर आएंगे, और आज आप फिलहाल सड़कों पर उतर आए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? दरअसल में सरकार को आज तक यही लगता है कि युवा केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के बाहर ही नारेबाजी करते हैं, लेकिन आज मुझे यकीन है कि महबूबा मुफ्ती की चेयर असेंबली में हिल चुकी है और उसे पता चल गया कि युवा जाग गया है। जिस तरीके से उसने पोलराइज करने की कोशिश की वो फेल हो चुकी है, पीडीपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे, और आज अगर आज भी उनकी कान ये हमारी आवाज जस्टिस पर आसिफा की नहीं सुनते तो हम चढ़ बढ़ के और लोगों को भी बोलेंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए, और जम्मू के तमाम कॉलेज एकजुट होके एक कदम से कदम मिला के सेक्रेटेरिएट घेराव करने में